हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चैनल में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो T20 ब्लास्ट का सेकंड मैच खेला जाएगा, ये मैच मुझे पर्सनली बताऊं तो हेडवेट 3 मेंबर के लिए ठीक लग रहा है। बाकी अगर आप लगाना चाहते तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं करूँगा तो इसी मैच में इन्वेस्टमेंट करूँगा। दूसरे मैच में बाकी इससे पहले यहाँ जो मैं करूँगा तो ये वुमेंस वाले मैचेस में इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा। बाकी अगर आप बनाना करना चाहते तो इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मुझे पर्सनली ये मैच लग रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब टीम्स की। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारी ऊपर की वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर की हमारी जो वुमेंस की तीनों मैचेस की वीडियो मैं पर डाल चुका, ऑलरेडी अपलोड कर चुका। अगर नहीं देखी तो हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हो। उसके बाद TNPL जो मैं एकमात्र मैच खेला जाएगा इसकी मैं यहाँ पर वीडियो दे चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद T20 ब्लास्ट का भी ये मैच में ड्रम और वर्सेस्टर का मैच है, ये मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। अब जो मैं यहाँ पर कवर करने वाला फ्रेंड, वो यहाँ पर ससेक्स और सर्रे के बीच में जो मैच खेला जाएगा इस मैच को कवर करने वाला। बाकी फ्रेंड, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, ताकि आपका यहाँ पर अच्छे खासे हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में अच्छे खासे विनिंग्स हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं टीम्स की। तो चलिए अब जो हमारे YouTube पे 80% पब्लिक जो मैं कहता हूँ हर बार की यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं, जिनको प्रीव्यू देखना होता खाली टीम का, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैं यहाँ पे आपको टीम बनाने से पहले यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दूँगा, तो आपको ज़्यादा वीडियो में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किप करके आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ मैं टीम का। जो भाई लोग खाली टीम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके बाहर जा सकते हैं प्रीव्यू देख के। बाकी जिसको समझना है, सब कुछ जानना है, जो बंदा यहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता है और वो उसको सब कुछ जानना ज़रूरी होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी है अब अगर जानना चाहते हो। बाकी थोड़ा डीपली प्लेयर्स के बारे में, क्या आपके लिए सजेशन बेस्ट हो सकता है, वो सब चीज़ जानने के लिए तो वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैंने अभी जो प्रीमियम पोपे को लिया, एलेक्स कैरी को लिया, उसके बाद एरन फिंच को रखा, मार्क स्टोनमैन को रखा, विल जैक को रखा, ल्यूक राइट को रखा और फिलिप सॉल्ट को रखा। ये जो मुझे बेस्ट लगे बैट्समैन वो मैंने रख लिए हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में केवल एकमात्र ऑलराउंडर रखा मैंने, जॉर्डन क्लार्क। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर बॉलिंग में, मैंने टॉम कुरान को रखा, क्रिस जॉर्डन को रखा और ऑयलर रॉबिन्सन को रखा हुआ। जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिया। बाकी अगर आपको लगता है इनसे बेस्ट हो सकते हैं, वो आपको सारा सजेशन आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो में आगे। तो जिस जो भाई लोग हमारे वीडियो पर बना रहना चाहते हो बन सकते हैं। बाकी जो लोग प्रीव्यू देख के बाहर जाना चाहते हो, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ बाहर जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टीम की। अब टीम मैंने किस तरह बना रखी, क्या यहाँ पर पिच रिपोर्ट, क्या सब कुछ बताया जाएगा आपको। लंदन में ये मैच खेला जाने वाला, लंदन की पिच जो है काफ़ी अच्छी पिच है बैटिंग के लिए मानी जाती है। यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा बन जाता है, ये समझ लीजिए आज के मैच में 200 के आसपास स्कोर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, जिस तरह यहाँ पर हिटर हैं, जिस तरह बैट्समैन हैं यहाँ पर। तो चलिए विकेट कीपर आपके पास दो ऑप्शन हैं जो बेस्ट है मुझे लगता है, तो दोनों मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग भी टाइम पास आते हैं। वन डाउन आते हैं एलेक्स कैरी आते हैं और वन सेकंड डाउन यहाँ पर पोपे आते हैं। तो जो दोनों मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए। बाकी बैटिंग में बात करें, बैटिंग में मैंने यहाँ पर एरन फिंच को रखा है, ल्यूक राइट को रखा, स्टोनमैन को रखा, उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लिप सॉल्ट को रखा हुआ है, उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर विल जैक को रखा हुआ है। बाकी अगर आप रखना चाहते हो यहाँ से तो रख सकते हो। ऑप्शन है लॉरी इवांस को रखना चाहते हो रख सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कोई खास ऑप्शन आपके पास बचते नहीं है बैटिंग में, बट लॉरी इवांस को मैं अगर करना चाहते रखना चाहते रख सकते। वन डाउन या सेकेंड डाउन यहाँ पर आते हैं आई थिंक, और बैट्समैन भी अच्छे हैं, बट ये है कि दिन जब होगा इनका ये अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि इनके मैंने लास्ट के मैचेस जो पहले हुए थे उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, इनके मैचेस में काफ़ी देखता था, तो काफ़ी अच्छा ये खेल लेते हैं। अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपके पास एकमात्र ऑलराउंडर जो मुझे बेस्ट लगे हुए हैं जॉर्डन क्लार्क। अगर आप ले सकते हो विजय को ले सकते हो, क्लार्क को ले सकते हो, बाकी मैं और किसी को यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप रखना चाहते हो अपने रिस्क पर रख सकते हो, बट विजय भी थोड़ा सा बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर रहे, बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पा रहे, पता नहीं 120 पॉइंट इनके एक ही मैच में उन्होंने क्या होगा, आई थिंक देखते हैं। देखिए ये इनकी पॉइंट्स हैं, तो ठीक ठाक है। अगर विजय को भी रखना चाहते हो रख सकते हो किसी को एक डाउन करके, बट मैं इनको रखूँगा जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए। बाकी अब बात कर लें बॉलर्स की, बॉलर्स में जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए। बाकी मैं आपको सेशन दे दूँगा, बता दूँगा कौन कौन खेलना है कौन कौन नहीं खेलना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। बाकी अगर आप लोग प्ले स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा जिसे यूज करके आप बोनस ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे खेलना तो हमने इसके एक सेपरेट वीडियो बना रखी, आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपको पॉइंट सिस्टम समझ में आ जाएगा। थोड़ा ड्रीम इलेवन से हट के रहिए, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन है, तो थोड़ा सा अलग रहोगे तो अच्छा खासा विन करोगे। ड्रीम इलेवन पर क्या फ़ायदा जब आप 3 ग्रैंड लीग जीत जाते हो और 2 हार जाते हो या 1 हार जाते हो, कोई फायदा नहीं होता फ्रेंड उसमें, वही 100-200 रुपये की जीत पर बात आ जाती है। तो इसमें मुझे
बेटर नहीं लगता ड्रीम इलेवन। बाकी अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। बॉलर्स में मैंने यहाँ पर टॉम कुरान को लिया, क्रिस जॉर्डन को लिया, उसके बाद मेरे जो तीसरे रहने हैं रॉबिन्सन रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ लेना चाहते हो ताहिर को ले सकते हो, ताहिर खेलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर राशिद खान को ले सकते हो, राशिद खान खेलने वाले हैं। डेनवर्स खेलने वाले हैं, इनको ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ डेनवेक, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। लेना खेलना चाहते हो, लेना चाहते हो ले सकते हो इन तीनों को। तीन ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ग्रेथ बैटी है, इनको लेना चाहते हो इनको ले सकते हो। बाकी नीचे कोई भी यहाँ पर सेफ ऑप्शन नहीं है हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। बाकी जो मुझे जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए हैं। बाकी टॉस के बाद क्या स्ट्रेटजी होती है वो टॉस के बाद देखा जाएगा। तो टॉस के बाद के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फायदा है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, उससे भी आप ही का फायदा हो। क्या होगा कि आपको हमारी अपडेटेड टीम्स को पता चल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा को आपको कि लोग किस तरह की टीम से बना रहे, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक या दो चेंज करके आप हमें खुद से एक अच्छी टीम बना सकते हो। तो ये रही हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है तो ही हमारी टीम से जाइए, अदरवाइज अपना इसमें एक या दो चेंजेस आपको कर लेने हैं और खुद से एक अच्छी टीम आपकी बन जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे क्या किस तरह हमारी वीडियो को सुनते हो, किस तरह हमारे एनालिसिस पर जाते हो, तो ये सब चीज़ आपके माइंड पर डिपेंड करता है और अपने रिस्क लेने के दम पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में भी, बाकी आपकी मर्जी है। कैप्टन यहाँ पर एरन फिंच और वेस्ट कैप्टन यहाँ पर एलेक्स कैरी के साथ जा रहा हूँ। बाकी आप बनाना चाहते हैं काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, फ्लिप सॉल्ट है, ल्यूक राइट है, और पोपे को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये रही हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर की टीम। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है, आपको लगता है कि ये टीम विन कर सकती है, आप सेटिस्फाइड हो इस चीज़ से, तो तभी इस टीम के साथ जाना, अदरवाइज अपना एक या दो चीज़ आपको जरूर कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज मैचेस टाइम कम है तो मैचेस ज़्यादा वीडियो हैं, तो इसके बाद मेरी लास्ट वीडियो जो आज की आने वाली है वो लिस्टर शायर और डर्बीशायर की जो मैच है इसकी वीडियो यहाँ मैं आपको दूंगा। तो इन मैचेस के लिए ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।